Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society vote. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today, this is the time to raise your voice to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. पूरों का इस हम्माम में सब नंगे हैं. नहीं नहीं, इस हम्माम में सब नंगे हैं. आप तीन कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूं. सबका उड़ गया. टेफलान तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं. मैं तो बोल रहा हूं इस हम्माम में सब नंगे हैं. और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स. आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं वो. ठीक है, ठीक ठाक नहीं होगा भाई. देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, मेरे सुनिए मेरी बात को आप. जब CAA NPR NRC का चल रहा था, आप यही बात करें मंदलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे. क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो. टाइम टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ. मैं इनको बोलना चाह रहा हूं, भाई साहब आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना. मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या, मगर हम सुनिए सुनिए. अरे आप देखिए, आप बहस करना चाह रहे, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे. नहीं सुनो, ठहरो ठहरो ठहरो, चितारे तब बेचैनी कहीं को हो रही, दर्द हो रहा तो ठहरो, जरा पानी पिलाओ जी इनको. देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मंजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं है. मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पर इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी. और कुछ है भाई हमारे कृष्णा गारू चपंडी, हाँ आशीष जी, हाँ नहीं लाइव नहीं है. अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई. नहीं टिकटॉक ने जाने का. नहीं, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट. अच्छा करे आप बात करके, आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया. देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात. बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे, और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया. अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होते. वो कंटेंप्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई. आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेंप्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का. दैट इज नॉट येट हियर्ड. आई प्रे एंड होप दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल हियर दिस कंटेंप्ट पिटीशन ऑल्सो. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेंप्ट नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी अपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं, और डिफर करना कोई गुना नहीं है मेरे भाई. इसीलिए जस्टिस JS वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी थे, जस्टिस JS वर्मा ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल. JS वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं तो आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. नो प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल. हु इज सेइंग इट्स नॉट फाइनल? बिकॉज JS वर्मा सेड इट. And who's JS Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice? And you know JS Verma also.
हो गया सर, कोई टिक टाक ना सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू।